नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। खेल में राजनीति और राजनीति में खेल का सियासी दस्तूर नया तो नहीं है, लेकिन जब जमीन ही खिसक रही हो वहां कंगूरे भला कौन खड़ा करता है। जब हार सर पर मंडरा रही हो तो भला कौन जीत का सहरा बांधने के ख्वाब बुनता है। यही सियासत है साहब। यहाँ जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। वरना कांग्रेसी रामेश्वर ढूडी की खिलाफत में आरएलपी के कार्यकर्ता क्यों आते, एसएमएस स्टेडियम के आगे हंगामा क्यों बरपाते। जब वैभव गहलोत की ताजपोशी लगभग तय है तो रामप्रकाश चौधरी क्यों मैदान में ताल ठोक रहे हैं? तो क्या मान लिया जाए रामप्रकाश चौधरी को चेहरा बनाकर बीजेपी आ गई है मैदान में? बहरहाल रामेश्वर डूडी के अरमानों पर पानी फिर गया है। आरसीए चुनाव अधिकारी ने डूडी सहित विनोद सहारण और नांदू का नामांकन भी खारिज कर दिया और स्क्रूटनी के बाद 19 नामांकन किए गए हैं स्वीकार। अब सच गया रण, दो दिन बाद छिड़ेगी जंग। आरसीए की बिसात पर कौन किसके संग, और सवाल उठना लाजमी है कि खेल को खेल रहने देते तो ज्यादा अच्छा था। राजनीति का अखाड़ा क्यों बनाया गया? डूडी के इस हाई वोल्टेज ड्रामे के पीछे किसका है हाथ? डूडी और आरएलपी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, और कांग्रेस के राम को सियासी हनुमान का सहारा क्यों और कैसे मिल रहा है? बिग फाइट में बहस आज इसी अहम मुद्दे पर। हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं टोंक जिला संघ के सचिव अनंत व्यास जी, बीजेपी नेता पंकज मीणा जी हमारे साथ हैं, आरसी उपाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल जी हमारे साथ हैं, पूर्व रणजी खिलाड़ी राहुल कांवट जी हैं और साथ ही संवाददाता नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत अनंत जी आपसे ही करते हैं कि आखिर खेल को अगर खेल रहने देते तो ज्यादा बेहतर था, ऐसा नहीं लगता क्या? पूरी तरह से राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, चुनाव सर पर है, इसके बावजूद ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, हिंदुस्तान में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं जी, उनके दो एडिशनल धर्म होते हैं, एक है फिल्म और एक है क्रिकेट। और यही वजह है कि क्रिकेट का जो ग्लैमर है वो फिल्मों के ग्लैमर से कम नहीं, और यही ग्लैमर राजनेताओं को क्रिकेट में लेकर आता है। एक सर्वे हुआ था जब शरद पवार बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, और उसमें ये देखा गया था कि बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में उनकी फोटो कितनी बार अखबार में आती है और एक केंद्रीय मंत्री के रूप में उनकी अखबार में कितनी बार फोटो आती है। आप हैरान होंगे जान के कि एक केंद्रीय मंत्री के रूप में एक अखबार में साल में उनकी 63 बार फोटोग्राफ आई, जबकि एक क्रिकेट के मुखिया होने के नाते, बीसीसीआई के मुखिया होने के नाते 156 बार उनकी फोटो अखबार में आई। तो ये जो आकर्षण है अखबार में छपने का, ये जो पॉपुलैरिटी का, वो उन राजनेताओं को लेकर आता है। मेरा सवाल यह है कि क्रिकेट क्यों, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और दूसरे खेल क्यों नहीं, क्यों सिर्फ क्रिकेट में ही, क्यों राजनेता जब कभी मैत्री मैच खेलते हैं वो सिर्फ क्रिकेट का ही मैच खेलते हैं, वो कबड्डी का या खो खो का मैच क्यों नहीं खेलते या हॉकी का मैच क्यों नहीं खेलते? तो ये जो क्रिकेट का ग्लैमर है वो राजनेताओं को लेके आता है, और यही वजह है कि वो खेल जो है राजनेताओं के आने की वजह से खेल खेल नहीं रहता, और इसलिए राजनीति ज्यादा हावी हो जाती है। अनंत जी बिल्कुल। मोहम्मद इकबाल जी, खेल के मैदान में सियासत तो हो रही है साफ है, लेकिन ये सियासत आखिर कर कौन रहा है? ये सियासत पिछले 5 साल से एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो देश के बाहर बैठा, ललित मोदी, और ललित मोदी के ही लोग आज जिस तरीके से उन्होंने आरसीए में आके और धांधली करने की कोशिश करी, जिस तरीके से दादागिरी करके कुछ चंद लोगों को वहाँ इकट्ठे करके, 200-250 लोगों को इकट्ठा करके, और जिस तरीके से पुलिस से हाथापाई करने के, एक सिर्फ एक ड्रामा जो किया उन्होंने, ये उसी एक व्यक्ति का हाथ है। और वो आज भी वही ललित मोदी नहीं चाहता राजस्थान की क्रिकेट फिर से शुरू हो। ठीक है, आप ये मान रहे हैं, ठीक है। राहुल कांवट जी, क्रिकेट जिस तरह से बताया भी अनंत जी ने कि क्रिकेट का ग्लैमर है, और ये ग्लैमर ये जो राजनेताओं को भी इसमें खींच कर लेकर आता है, लेकिन ये इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि आरसीए जिस तरह से विवादों में रहा उसकी वजह क्या थी, और पिछले 5 सालों की हम बात कर ले, इससे पहले की बात कर ले, बैन होता है, क्या कुछ नहीं आरसीए ने देखा है, लेकिन खिलाड़ियों के लिहाज से आपको क्या लगता है कितने सामान्य तरीके से चुनाव होना चाहिए, और जिस तरह से ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को आज मिला है उसके पीछे का मकसद आपको क्या नजर आता है? खिलाड़ी के हिसाब से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि इस तरीके से राजनीति की बिसात क्रिकेट के मैदान पर बिछाई जा रही है। पर एज अ क्रिकेटर मैं यही उम्मीद करूँगा, जितने भी अपने राजनेता जो अपने खेल के अंदर जुड़े हैं, कि
कैसे ना कैसे करके एक एक साथ आके इस क्रिकेट की राजस्थान की क्रिकेट को सुधारें, क्योंकि काफी काफी टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए और क्रिकेट के अंदर एक तरीका क्रिकेटर्स और क्रिकेट के अंदर एक तरीके से अराजकता का माहौल है। खिलाड़ी जो 15 साल का था आज वो 21 साल का हो गया, 5 साल से उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है उसके साथ। और आप ये देखें कि कितना सारा टैलेंट पिछले 5-6 साल के अंदर वेस्ट हो गया है। तो मैं तो आप बड़े लोग हैं, इन सबसे ये विनम्र विनती करूंगा कि कैसे भी करके एक साथ मिलके और राजस्थान के क्रिकेट को सुधारे और इस क्रिकेट को कंटिन्यूएशन के अंदर लेकर आए। पूरी पूरा राजस्थान भी यही चाह रहा है कि क्रिकेट पे सुधार हो, सब एक साथ हो जाए, बीजेपी कांग्रेस ना हो यहाँ पर, सब एकजुट होकर एक लक्ष्य एक उद्देश्य क्रिकेट को आगे बढ़ाने को लेकर यहाँ पर काम करें। जो होता हुआ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। पंकज मीणा जी, रामेश्वर डूडी ने आज जिस तरह से पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा किया है, कहीं ना कहीं कहा यह भी जा रहा है दूसरी तरफ कि राम प्रकाश चौधरी मैदान में आते हैं और राम प्रकाश चौधरी के साथ बीजेपी आ रही है अखाड़े में, बीजेपी लड़ने के लिए आ रही है, इस पर आप क्या कहें? क्योंकि सवाल इस तरह से उठ रहे हैं, क्या बीजेपी भी कूद पड़ी है मैदान में? श्वेता, एक खामखा बीजेपी को घसीटा जा रहा है। बीजेपी का इस आरसी के चुनाव में किसी भी प्रकार का ना तो कोई फ्रंट डोर एंट्री है ना बैक डोर एंट्री है, केवल और केवल सियासत करने के लिए बीजेपी को घसीटा जा रहा है। जबकि वास्तविकता में क्या है, सियासत किस प्रकार से हो रही है, जिस व्यक्ति को राजनीतिक रूप से राज्य की जनता ने रिजेक्ट कर दिया उसको केवल और केवल उसको कैरियर सेट करने के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने पूरी ताकत लगा दी, पूरा अमला लगा दिया कि किसी तरह ये आरसी अध्यक्ष बन जाए, नहीं तो ये बेटा बेरोजगार रह जाएगा। और आज देखिए मुख्यमंत्री जी आज बेटे जब उनको बेटे को उन्होंने सेट करने के लिए जब इतनी ताकत लगा दी, मैं एक छोटा सा प्रश्न यहाँ करना चाहूंगा, क्या ये सारी ताकत उन्होंने उस वक्त याद नहीं आई जब थानागाजी में एक महिला के साथ गैंगरेप हो जाता है और उसके 6 दिन तक इन्होंने और मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल ध्यान में नहीं है और बेटे को सेट करने के लिए आज उन्होंने इसी पर जवाब ही ले लेते नरेश जी, क्योंकि आप लगातार आरसीए कवर भी कर रहे हैं, शुरुआती दौर से क्या क्या तस्वीरें सामने आई है बेहतर आप बयां कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आरोप अब पंकज मीणा जी लगा रहे हैं करियर सेट करने के लिए, क्या अध्यक्ष बनने से करियर मिल सेट हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा? देखिए जहां तक राजनीति की बात श्वेता आपने की है तो इतिहास गवाह है कि कांग्रेस के नेता भी आरसीए में हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आरसीए में, कई ऐसे हम तो बात कर सकते हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं था लेकिन आए क्रिकेट में, कब्जा किया, राज किया, क्रिकेट चलाई, क्रिकेट में काम भी किया है। तो चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस के दोनों दलों के नेता क्रिकेट में यहाँ पे है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि आज जो हुआ उसमें आपको तो श्वेता 2-3 दिन पहले भी आपने मुझसे पूछा था कि ये इतना आसानी से दिखाई दे रहा है, ऐसा हो जाएगा क्या? तब भी मैंने आपको कहा था कि देखिए राजस्थान में एक शब्द है नेकचार, शादी में जो रीति रिवाज होते हैं तो नेकचार होते हैं, वैसे आरसीए के लिए मैंने कहा था कि अभी बहुत से रंग बदलेंगे यहाँ पर, बिल्कुल हर दिन रंग बदलेंगे, हर दिन रंग बदलेंगे, जितना आसान दिख रहा है वैसा आसान है नहीं, यहाँ झगड़े भी होंगे, पुलिस भी आएगी, कोर्ट केस भी होगा, तो कोर्ट केस की तरफ बढ़ गए हैं, ये जो लास्ट कह सकते हैं अंतिम नेकचार यहाँ पे होने वाला है कोर्ट केस की तरफ से, क्योंकि सब कुछ हो चुका है, विवाद हो चुका है, झड़प हो चुकी है, आपस में आरोप प्रत्यारोप हो चुके हैं, एक दूसरे को जो सड़क पे घसीटना होता है सब कुछ हो चुका है, लेकिन बड़ी चीज ये देखिए जो कुछ क्रिकेट के लिए होना चाहिए, क्रिकेटर के लिए होना चाहिए, वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आज भी हमने स्टेडियम में देखा, मैं खुद उसको कवर कर रहा था, ऐसे लोग स्टेडियम मौजूद थे जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, भले ही कोई भी व्यक्ति क्रिकेट की सेवा करने का दावा करते हुए इसमें आ रहा हो लेकिन उनके समर्थन में तो क्रिकेटर आने चाहिए, लेकिन जिस तरह से हमने माहौल देखा बाहर, नारेबाजी हो रही है, पुलिस बल 32 जिला संघों की सुरक्षा के लिए 300 से 500 पुलिसकर्मी वहां पे हैं, क्या ये क्रिकेट होने वाला राजस्थान में, क्या क्रिकेट को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्रिकेटर की बात कोई नहीं कर रहा, आनंद जी यहाँ बैठे हैं, इकबाल जी यहाँ बैठे हैं, ये भी इकबाल जी भी राजनीति से जुड़े हैं, आनंद जी हालांकि पुराने क्रिकेट प्रशासक है लेकिन ये भी मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते होंगे कि आज कोई भी क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा, जब इनके सामने क्रिकेटर खेल रहे होते हैं कोई उनकी बात नहीं करता कि इनके आगे कौन बोलेगा, ये बात करते हैं वोट कैसे लाना है, आगे कौन पद पे लाना है, इसलिए खेल पर राजनीति हावी हो गई है, इसलिए राजनीति हावी हो गई कि जिन बातों पर प्रमुखता से बात करनी चाहिए वो कहीं पीछे मुद्दे छूट गए हैं और दूसरी चीजें हावी है और इसलिए विवादों में आरसीए हमेशा रहा है। लेकिन अनंत जी इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं जो हंगामा आज हुआ है, जिस तरह से डूडी आते हैं, आरएलपी के समर्थक वहां पर पहुंच जाते हैं, आह्वान किया जाता है कि एसएमएस स्टेडियम पहुंचा जाए, कुछ तो साजिश की बू है।
देखिए, मैं एक खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, क्रिकेटर रहा हूँ और एक खेल प्रशासक रहा हूँ बहुत बरसों तक। मैं समझता हूँ, मैं और चिंटू, राहुल कामत, उनको चिंटू हम प्यार से कहते हैं, हम दोनों इस पैनल में दो ऐसे लोग हैं जो प्योरली क्रिकेट के समर्थन में यहाँ पे बैठे हैं। और नहीं, आप पदाधिकारी हैं, आप पदाधिकारी हैं। मैं उसको क्लियर कर, मैं एक बार नहीं नहीं मैं एक बार भाई से पूछना चाहूंगा, अभी उन्होंने पिछले पांच साल में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए ललित मोदी को दोषी ठहराया। आप खुद ललित मोदी जब अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल में उनके साथ काम कर चुके हैं, और एक बार नहीं, साथ कभी कार्यकाल में नहीं रहा। नहीं, मैं मेरा पर्सनल काम जब भी कर रहा था जिला क्रिकेट एसोसिएशन में, और आज भी कर रहा हूँ। आपको मालूम है कि क्रिकेट में कितना समय देते हैं, कितना वो कर रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज 50,000 करोड़ की जो ब्रांड है आईपीएल की, वो ललित मोदी की दी हुई है। ये सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो नवनिर्माण हुआ, चाहे वो क्रिकेट एकेडमी का हो, चाहे साउथ ब्लॉक का, नॉर्थ ब्लॉक का, वो सब उनका दिया हुआ है। जो आदमी इंडिया में रह रहा है वो इंग्लैंड में रह रहा है, उसको कोच कर हम क्या कहना चाहते हैं? इसलिए सवाल ये भी कि इंग्लैंड से क्रिकेट चलेगा राजस्थान, आरसीए क्या इंग्लैंड से चलेगा, ये सवाल भी बहुत उठे थे। और लगातार अगर विवाद, देखिए अगर सब कुछ ठीक होता, आनंद जी अगर सब कुछ ठीक होता तो इतना विवाद ही नहीं होता। जब राजनीति की बात हो रही है, तो मैं इकबाल साहब से एक बात पूछना चाहूंगा, श्रोता के बीच में, क्या ये जिस गुटकी ये पैरवी कर रहे हैं, जिसको आरसीए अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, वो क्रिकेट जानता है क्या? कभी उन्होंने राजसमंद किला देखा है क्या? अरे पंकज जी बात सुनिए आप, नहीं एक मिनट पंकज जी, रामेश्वर डूडी के साथ आरएलपी आ जाती है, आरएलपी और आखिर रामेश्वर डूडी में खिचड़ी क्यों पकड़ी? और अगर आरएलपी साथ आ रही है तो बीजेपी पर सवाल उठेंगे? दोनों साथ है पंकज जी, आप कह रहे बीजेपी का लेना देना नहीं है, लेकिन आरएलपी के रूप में बीजेपी ही सामने आई है। करोड़ीलाल मीना के घर में इकट्ठे हुए लड़के जो बीजेपी के नेता, पूरा काम, पूरी कानून व्यवस्था बिगाड़ने में सिर्फ इनका एक ही काम रहेगा। ठीक है तो श्वेता, सेट टू द पॉइंट की बात करते हैं, वक्त कम है। रामेश्वर डूडी आज कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुत्र मोह के अंदर धृतराज की तरह अंधे हो गए। ये मुद्दे उठाएंगे 5 साल तक, लेकिन एक बात बताइए, ठीक है, चलिए ठीक है, नेता प्रतिपक्ष रहा 5 साल, लेकिन रामेश्वर डूडी जब पहले हट चुके हैं, जब वो वैलिड ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, नामांकन दाखिल करने क्यों जाते हैं? नामांकन दाखिल क्यों करने जाते हैं? सर की कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, राजनीति कांग्रेस राजनीति हावी है, सर राजनीति हावी की बात करनी है। अगर हम यहाँ पर आए भी हैं तो हम क्रिकेट के बारे में बात करें, कोई क्रिकेट का भविष्य अच्छा हो इसलिए चुनाव हो रहा है, ये आप मानते हैं? जी हाँ, ये आप मानते हैं? पदाधिकारी चुनकर आएंगे और वो आएंगे जो क्रिकेट के लिए सोचेंगे, खिलाड़ियों के लिए सोचेंगे, उनका भविष्य सोचेंगे, स्टेडियम को लेकर सोचेंगे, इसलिए आए हैं। आप ये मानते हैं चुनाव में आप भी खड़े हुए हैं सर? जी हाँ मानते हैं, आपका भी उद्देश्य यही होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब रामेश्वर डूडी पहले ही आउट हो चुके हैं, उनका नामांकन वैसे भी खारिज होना था, क्यों दाखिल करने जाते हैं? आरएलपी के इतने सारे लोग आके वहां पर हंगामा करते, क्यों करते? अब इसे साजिश नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसा है, मैंने एक बार भी अभी तक जो कुछ भी आज हुआ उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा है, क्योंकि मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आप नहीं रखते सर, लेकिन हुआ तो है, वेल प्लान्ड था ये पूरा सब कुछ। उसके लिए हर आदमी जिम्मेदार है, ये नहीं, ये जो भी हो रहा है ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक प्रतिद्वंदिताओं का खेल है, ये क्रिकेट का खेल नहीं। अभी पंकज जी ने कहा कि बीजेपी का कोई रोल नहीं है, बीजेपी को जबरदस्ती इसमें खींचा जा रहा है, लेकिन अगर आरएलपी आके हंगामा करेगी तो बीजेपी पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाएगा? कल तक चलिए, ठीक है आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कल तक कोई नामांकन नहीं था, बीजेपी ने मीटिंग बुलाई थी सर, आज बीजेपी ने मीटिंग बुलाई थी। और नरेश जी एक अहम बात, कल तक तस्वीर साफ थी, निर्विरोध लड़ेंगे, वैभव गहलोत निर्विरोध मैदान में है, आज मीटिंग बुलाई जाती है, अचानक से डिसाइड हो जाता है और इसके बाद एक कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाता है। रामेश्वर डूडी जो पहले से उनका नामांकन खारिज हो रहा था, इसके बावजूद वो नामांकन दाखिल करते हैं, अब इसे क्या समझा जाएगा? नरेश जी बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये जो आरसीए की राजनीति है आसान नहीं है, कई रंग बदलते हैं और उन्हीं रंगों में से आज एक नया रंग दिखाई दिया।
हालांकि आपने जो कहा कि भगवा रंग भी इसमें नजर आ रहा है, उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जुड़े जो नेता है वो भी क्रिकेट में है और दूसरी तरफ कांग्रेस से जुड़े नेता भी है, तो अब चूंकि राजनीति की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती होगी कि वैभव गहलोत वो निर्विरोध अध्यक्ष बने, और इस कारण से इस ये कोशिश होगी कि उनके कोई कोई नेता ऐसा जो क्रिकेट से जुड़ा हो वो चुनाव में आए और एक जो निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता है वो रोका जाए। तो इस बात की भी जो है आज चर्चा है वो दिन भर रही है, और राम प्रकाश जो अभी अध्यक्ष का जिन्होंने नामांकन भरा है वो जोधपुर से भाजपा के नेता है, जोधपुर जिला संघ के सचिव भी है। तो कहीं ना कहीं राजनीति, देखिए क्रिकेट और राजनीति एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यहाँ राजनीति करने ही लोग आते हैं, किसी भी दल की हम बात करें राजनीति करने के लिए आते हैं, क्रिकेट की बात जैसे अनंत जी कह रहे हैं, हालांकि अनंत जी खुद भी अभी जो डूडी ग्रुप है उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से उन्होंने नामांकन भरा है, लेकिन राजनीति से जुड़े लोग ज्यादा सक्रिय है यहाँ पे। क्रिकेट की बात अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो क्रिकेट की बात कोई नहीं कर रहा, क्रिकेट को बढ़ावा कैसे दे, जो खिलाड़ी हैं उनका भविष्य कैसे सुधारे, और जो 5 साल से आरसीए पूरी तरह से कह सकते हैं कि अलग अंदाज में आ गई थी, जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना सा दिख नहीं रहा था, उसको वापस कैसे पटरी पे लाए, इन सब के लिए कोई विचार करने वाला नहीं है। विचार इस बात पे किया जा रहा आज भी बाड़ेबंदी कहाँ की जाए, वोट को इधर से उधर कैसा लाया जाए, किस ग्रुप को जिताया जाए, और कहीं लेन देन की बात हो तो वो भी कैसे की जाए। मोहम्मद इकबाल जी, बीजेपी कांग्रेस बहुत हो रहा है कि हाँ ये, लेकिन आरसीए ऐसा है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी के भी जो नेता है बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं वैभव गहलोत का, अगर हम अमित पठान की बात कर लें या फिर हम पिंकेश जैन की बात कर लें, वो भी साथ आ रहे हैं जो क्रिकेट समझता है जैसे यहां तो जो ये, और दूसरी बात ये भी एक सवाल ये भी उठ रहा था कि वैभव गहलोत को नया नया लाकर रखा, जबकि वैभव गहलोत खुद कह रहे हैं कई सालों से वो जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उन्होंने खुद कहा कि कई सालों से वो आरसीए से जुड़े हैं, बैकडोर पर वो काम कर रहे हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है जी, जोधपुर के अंदर क्रिकेट टूर्नामेंट होता था, वार्ड क्रिकेट टूर्नामेंट सबसे बड़ा टूर्नामेंट, उसमें वैभव जी जुड़े हुए थे। यहाँ पर जो टूर्नामेंट होते हैं अपने यहाँ टूर्नामेंट होते हैं, हमारा टूर्नामेंट मेरा टूर्नामेंट जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा 30 साल से हो रहा है, कई बार वैभव जी जोधपुर से जुड़े हुए, जोधपुर एसोसिएशन क्यों नहीं आया, ठीक है उनको राजसमंद, अनंत जी अभी सवाल, एक मिनट पंकज जी एक मिनट, अनंत जी अभी जब सवाल ये उठ रहा है कि जो क्रिकेट को समझता है उसे अध्यक्ष बनना चाहिए, पंकज जी एक मिनट, कोई कहीं से भी आ सकता है सर, आरसीए सिर्फ किसी एक जगह के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए कोई भी कहीं से आ सकता है, कोई भी कहीं से आने के लिए आजाद है, कोई भी कहीं से आ सकता है, आरसीए पूरे राजस्थान के लिए। लेकिन अनंत जी बार बार सवाल ये उठ रहा है कि राजनीति करने के लिए लोग आरसीए में आते हैं, क्रिकेट को क्योंकि ग्लैमर भी है और क्रिकेट में शामिल होना चाहते हैं, राजनीति करने के लिए तो वो आएगा जो सिर्फ राजनीति से जुड़ा होगा, लेकिन अगर कोई खेल से जुड़ा हुआ है वो आता है तो खेल बेहतर होगा, इस चीज को हम क्यों ना माने, अगर वैभव गहलोत आ रहे तो हम इसको इस तरह से क्यों ना ले, क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री के बेटे और इसलिए हम सवाल उठाते रहे, ये तो गलत है। आपकी एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आए वो खिलाड़ी ही हो, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स हुए हैं, चाहे डालमिया साहब हो, चाहे बिंद्रा साहब हो, चाहे पीएम रूंगटा हो, चाहे ललित मोदी हो, ये कभी भी क्रिकेटर नहीं रहे। मैं सीपी जोशी की भी बात करूंगा, वो भी क्रिकेटर नहीं रहे, लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो है उन्होंने क्रिकेट को बढ़ावा दिया है। सीपी जोशी के टाइम पे 2 बार राजस्थान जो है चैंपियन बनी। तो मेरा ये कहना नहीं है कि सिर्फ क्रिकेटर ही जो है क्रिकेट को आगे बढ़ा सकते हैं, दूसरे लोग भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब वो आना चाहते हैं क्रिकेट को समझें, जानें, जुड़ें, मूल रूप से उसके जो बेसिक्स हैं उनको समझें और फिर क्रिकेट को प्रमोट करें। क्रिकेट राजनेताओं का काम जो है वो फैसिलिटेट करना है, क्रिकेट को उसका हिस्सा बनना नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन पार्ट है वो प्रोफेशनल्स को दिया जाना चाहिए। अच्छा एक बात और है मोहम्मद इकबाल जी, चुनाव इसलिए होते हैं कि जिसके तरफ वोट जितने जाते हैं, जो ज्यादा वोटों से जीतेगा उसे, जब ज्यादा वोटों से कोई जीत रहा है यानी वो पसंद है उसे चुना जा रहा है, ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए ज्यादातर लोग समझ रहे हैं कि हाँ ये जिला संघ चाहते हैं कि ये बने, तो फिर इसमें ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है, वोटिंग हो रही है, फिर इतना ड्रामा, इतना ज्यादा इसे वेल प्लान्ड वे में करने की जरूरत क्या है, और कहां से यहां पे कांग्रेस और बीजेपी आती है? हमें तो लगता है कि इस आरसीए के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को साइड में रखकर आपको आगे देखना चाहिए, कोई भी कैंडिडेट हो। कांग्रेस तो अभी इस इलेक्शन के अंदर जो चल रहा है उसमें आज के पहले कौन तो कांग्रेस का नेता वहां गया, कौन कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां गए इकट्ठे होके, आज बीजेपी के कार्यकर्ता करोड़ी लाल मीणा के घर से इकट्ठे होके और वहां के हंगामा करते हैं, मारापीटी करते हैं, उनका क्या काम था क्रिकेट के अंदर वहां पे? देखिए श्वेता, कांग्रेस कोई कैंडिडेट था? दोनों पक्ष जो दो समूह हैं, दो गुट हैं, जो दो भी
पक्ष है, बीजेपी भी दोनों साइड है, बीजेपी भी दोनों साइड है, तो हम इसमें किसी को बांटे, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा यहाँ पर राजनीति करने के लिए आ रही है, बीजेपी राजनीति कर, ये तो वही बात होगी कि आप जिसके साथ है वो सही है, जिसके साथ आप नहीं है वो यहाँ पर ड्रामा कर रहा है, वो यहाँ पर गलत हो गया, ये भी तो राजनीति है सर, अगर हम बात कर रहे हैं तो। राजनीति तो हर जगह है, देखिए तो क्यों ना इसको अलग कर दिया जाए, क्यों ना जब ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव हो रहा है तो उसे कराया जाए, उसके साथ हुआ जाए, तो उसमें राजनीति हर जगह राजनीति है। मैं श्वेता जी, राहुल कामत जी, मैं श्वेता जी से बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ कि दोनों गुट के अंदर कांग्रेस के भी लोग हैं और बीजेपी के भी लोग हैं, तो हम तो एज एक्स कैप्टन ऑफ राजस्थान ये अनुरोध करेंगे कि भाई दोनों एक साथ मिल जाएं, एक मंच पे बैठ जाएं और कम से कम मिलजुल के राजस्थान के क्रिकेट को आगे बढ़ाएं, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और कई सारे क्रिकेटर्स का करियर खत्म हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अगर इसी तरीके से माहौल रहेगा तो आने वाले भविष्य के अंदर जो राजस्थान के जो क्रिकेटर्स है ना, उनका बिल्कुल भविष्य बिल्कुल अंधकार के अंदर ही है। बिल्कुल नरेश, एक लास्ट कमेंट चाहेंगे, क्योंकि अब 4 तारीख को वोटिंग भी यहाँ पर होने वाली है। देखिए, सबसे जैसे राहुल ने अभी कहा है कि एक क्रिकेटर की पीड़ा उन्होंने जाहिर की है और ये सभी क्रिकेटर की पीड़ा है, और जो बाकी जो बैठे हैं दोनों, चाहे इकबाल भाई हो या अपन आनंद जी की बात करें, उनको भी और इनके ग्रुप को भी ये सोचना चाहिए कि झगड़ा फसाद सब बंद करके कम से कम क्रिकेटर के नाम पर तो एक हो, क्योंकि बहुत हो चुका और अब हालत ये हो गई, ये भी जानते होंगे कि अब अगर ये कहीं बाहर कहें जाके किसी आम जन आदमी को कि मैं क्रिकेट संघ से जुड़ा हुआ हो तो शायद इनको गलत नजर से देखते हैं, इनकी स्थिति ये है, लेकिन ऐसे में अब उस जो पुरानी जो छवि है उसको सुधारना चाहिए। बिल्कुल नरेश, वक्त खत्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य से आरसीए के चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, जिस उद्देश्य से कैंडिडेट यहाँ पर आ रहे हैं, वो पूरा होता नजर आया, लेकिन जिस तरह से आज रामेश्वर डूडी ने पूरा हाई प्रोफाइल ड्रामा यहाँ पर किया है, वेल प्लान नजर आ रहा था ये, और खासतौर से नजर ये भी आ रहा था कि बीजेपी ने आरएलपी का कंधा इस्तेमाल करके ये सब कुछ किया, साजिश की बात यहाँ पर जरूर आएगी, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगर चुनाव हो रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहे हैं तो बेहतर होगा कि बीजेपी कांग्रेस ना करकर इससे साथ दिया जाए, एक साथ होकर सब क्रिकेट के लिए सोचे, क्रिकेट के भविष्य के लिए सोचे, खिलाड़ियों के लिए सोचे, तो शायद जो 5 साल पीछे राजस्थान गया है क्रिकेट में, वो आगे 5 साल और आगे बढ़ सके। चलिए, शिक्षा बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।